हाँ हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ बेटा, आवाज आ रही है अभी? सौम्या, रश्मि, चलो ठीक है फिर। बहुत टाइम हो गया। तो तुम लोग को याद होगा, पिछली बार मैंने तुम लोग को ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में काफी कुछ बताया था। मैंने बताया था आपको ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का होता है जीरो, और ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको वाटर का बढ़ाना है तो आपको उस पे ऐड करना पड़ेगा सॉल्यूट। जितना आप सॉल्यूट डालते जाओगे वाटर में, सॉल्यूट बोले तो सॉल्ट डालो या कोई ग्लूकोज डालो या कुछ और जो उसमें डिजोल्व हो जाए, सॉल्यूट डालने से वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर उस सॉल्यूशन में बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा एक ऐसा प्रेशर है जो तब डेवलप होता है सॉल्यूशन के अंदर जब आप एक सॉल्यूशन को किसी उसी के सॉल्वेंट से सेपरेट करते हो बाय मींस ऑफ सेमीपरमीएबल मेम्ब्रेन। ये सब हमने पिछली बार पढ़ा था, राइट? एक और पॉइंट आपने याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मैं लिखूंगा यहां पर ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये पॉइंट याद रख, मतलब कहने का ये है कि अगर मैं तुम लोगों को, ध्यान से सुनना, अगर मैं तुम लोगों को 1 मोलर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन दे दूं, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन और 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। देखो दोनों सॉल्यूशंस 1 मोलर है। ग्लूकोज सॉल्यूशन कैसे बना? जब हमने वाटर में 1 ग्राम मोल ग्लूकोज डाल दिया। और NaCl सॉल्यूशन कैसे बना? मोल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, यहां पर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जब हम वाटर में इतना मोलर NaCl डालेंगे, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा होगा। बता मुझे ग्लूकोज और NaCl में से इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बोलो, ग्लूकोज और NaCl में कौन सा वाला इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट पता है बेटा रश्मि, सौम्या, इलेक्ट्रोलाइट हम उस कंपाउंड को बोलते हैं। नहीं जी, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो अगर हम NaCl सॉल्यूशन लिए बीकर में, इस बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, इलेक्ट्रोड तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है? इलेक्ट्रोड मतलब एक मेटल स्ट्रिप जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरा मेटल स्ट्रिप जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ जोड़ा। तो इस वाली स्ट्रिप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस वाली स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस पूरे सिस्टम में बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से सोडियम क्लोराइड ना ब्रेक होगा, सोडियम क्लोराइड ब्रेक होगा इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ऐसे वाले सब्सटेंसेस जो ब्रेक होते हैं इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ब्रेक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस,
ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, KCl पोटेशियम क्लोराइड हुआ। जब KCl के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो भी ब्रेक होगा इनटू K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसी तरह MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जब MgCl2 के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये भी ब्रेक होगा इनटू Mg डबल पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव टू टाइम्स। ऐसे वाले सब्सटेंसेस को बेटा जी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें से NaCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो वही हमने लिखा, इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसका मतलब NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सेम, बट NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl विल बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह अगर मैं लूंगा ग्लूकोज और KCl, वहां पर KCl पोटेशियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन एक चीज, कॉन्सेंट्रेशन बेटा जी सेम होना चाहिए। अगर आप 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन ले रहे हो तो 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा, 1 मोलर KCl सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा, 1 मोलर MgCl2 सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो KCl, MgCl2, NaCl की इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज से ज्यादा होगा, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, जल्दी जल्दी से। कंसेंट्रेशन चेंज कर दे तो ऑब्वियसली बढ़ जाए, पूरा डेटा ही बदल जाएगा। अभी देखो, हम आपको एक और टर्म सिखाएंगे, टर्गर प्रेशर। बहुत बढ़िया चीज है ये टर्गर प्रेशर, हम लोग टर्गर प्रेशर सीखेंगे। क्या है टर्गर प्रेशर भाई? हम एक काम करेंगे, हम एक प्लांट सेल को ले लेंगे। सपोज इट इज अ प्लांट सेल, मैंने शेप ऐसा क्यों बनाया बेटा? आपको पता है प्लांट सेल्स की एक डेफिनेट शेप होती है। क्यों उनकी डेफिनेट शेप होती है? बिकॉज उनके पास एक रिजिड वेल डेवलप्ड सेल वॉल होता है। सेल वॉल की मदद से उनमें एक डेफिनेट शेप आती है, है ना? ये देखिए, ये मान लो ये हमारा एक प्लांट सेल है विद अ डेफिनेट सेल वॉल। ये रहा प्लांट सेल विद अ डेफिनेट सेल वॉल। ओके, अच्छा जी, इस प्लांट सेल में ये रहा अंदर से हमारा सेल मेम्ब्रेन। हाँ पता है यार, कल मैं ट्रैवल कर रहा था, कहां से क्लास ले लेता,
तो ब्लू वाला जो है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ब्लैक वाला जो है दिस इज सेल वॉल। ठीक, अब तुम लोग को पता ही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारा प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस भी है। हाँ, ये रहा न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म है, बड़े से एक या दो सैप वैक्यूल्स होंगे ऐसे करके, और काफी सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। ओके, हम क्या करेंगे बेटा, हम इस सेल को, इस सेल को हम एक बड़े से बीकर में डाल देंगे, और बीकर में हमने रखा है पानी, बीकर में रखा है पानी, प्योर वाटर, राइट, बीकर में पानी है, दिस इज प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। अब जो मैंने पिछली बार पढ़ाया उसका मैं तुम लोग को अभी टेस्ट ले रहा हूं, मुझे बताओ यहां पर क्या होने वाला है, पानी प्लांट सेल के अंदर जाएगा या प्लांट सेल से बाहर आएगा, टेल मी। पानी बीकर से, बाहर से बीकर से प्लांट सेल में जाएगा या प्लांट सेल के अंदर जो पानी है साइटोप्लाज्म में वो बाहर आएगा, बताओ जल्दी, टाइम नहीं है इतना। अंदर जाएगा, हाँ सौम्या, रश्मि तुम बताओ, अंदर, रश्मि बेटा तुम बताओ, अंदर क्यों, पानी अंदर क्यों जाएगा, टेल मी दिस। पानी अंदर क्यों जाएगा भाई, जल्दी करो, देखो प्योर वाटर है ना, यहां पर प्योर वाटर में वाटर की परसेंटेज 100%, और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में वाटर भी है, काफी सारे सॉल्यूट्स भी हैं, तो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन सेल का, सॉरी साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में वाटर हाइपोटोनिक बना और सेल का साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक बना। और होगा क्या, होता है ऑस्मोसिस में ये कि वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है, बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा लाइक दिस, बाहर से अंदर की तरफ पानी जाएगा, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, है ना, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ पानी जाने के बाद ये सेल ना स्वेल होना स्टार्ट कर देगा, सेल स्वेल होना स्टार्ट कर देगा, स्वेल होगा ना, क्लियर है ये, सेल विल स्टार्ट टू स्वेल, स्वेल क्यों होगा, क्योंकि सेल का जो अंदर ये साइट प्रोटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन जो है ये प्रोटो, क्योंकि मेम्ब्रेन भी प्रोटोप्लाज्म के साथ ही आएगा, ये मेम्ब्रेन ना ऐसे अंदर से एक प्रेशर डेवलप करेगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मेम्ब्रेन अंदर से एक प्रेशर डेवलप करेगा, मेम्ब्रेन नहीं, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें पानी जा रहा है ना, तो अंदर से एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, वही प्रेशर इस सेल वॉल के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश कर रहा है, ऐसे करके सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश कर रहा है प्रेशर, ये वाला प्रेशर जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर डेवलप हुआ,
और ये प्रेशर सेल वॉल को पुश करने लगा बाहर की तरफ, सेल वॉल को पुश करने लगा। इसी प्रेशर को भाई बोलते हैं टीपी, 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 टीपी बोले तो टर्गर प्रेशर, राइट। तो टर्गर प्रेशर क्या है? प्रेशर डेवलप्ड इन द प्रोटोप्लाज्म। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ, तो टर्गर प्रेशर कैसा प्रेशर है? विच डेवलप्स इन द प्रोटोप्लाज्म एंड पुशेस द सेल वॉल, सेल वॉल को पुश करेगा, राइट। प्रोटोप्लाज्म डेफिनेटली सेल के अंदर होगा, तो यही प्रेशर ना सेल को स्वेल करने पे मजबूर करेगा, सेल को फूलने पे मजबूर करेगा। लेकिन तुम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन सुना होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। सेल वॉल बहुत ही रिजिड है, जितना प्रेशर सेल वॉल को अंदर की तरफ मिलेगा टर्गर प्रेशर, इक्वल प्रेशर सेल वॉल भी वापस प्रोड्यूस करेगा, सेल वॉल भी वापस प्रेशर डालेगा अंदर की तरफ। इस प्रेशर को बेटा वॉल प्रेशर बोलते हैं, WP, वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, पानी अंदर जा रहा है, पानी अंदर जा रहा है, जितना अंदर पानी जाएगा उतना टर्गर प्रेशर का वैल्यू बढ़ जाएगा। हाँ, मैं लिखूं यहां पर इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर increases टर्गर प्रेशर, है ना। लेकिन जितना ज्यादा टर्गर प्रेशर बढ़ेगा बराबर उतना ही वॉल प्रेशर भी बढ़ेगा। सोच लो जरा, अगर टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर नहीं होता तो क्या होता? अगर वॉल प्रेशर ज्यादा होता, टर्गर प्रेशर कम होता, तो ये सेल फूलता ही नहीं। अगर टर्गर प्रेशर ज्यादा होता, वॉल प्रेशर कम होता, तो अंदर से ज्यादा फोर्स मिलता और ये सेल फट जाती। लेकिन वॉल जो सेल वॉल है नहीं बेटा, सेल वॉल ब्रेक नहीं होता, वही तो मैं बता रहा हूं। टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जितना पानी अंदर जा रहा है, लेकिन वॉल प्रेशर भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। वॉल प्रेशर को मैं माइनस साइन देता हूं, क्यों? माइनस मतलब अगेनेस्ट टीपी। अगर टर्गर प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ है तो वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ है, वॉल प्रेशर ही इस सेल को फटने नहीं देगा। सेल वॉल प्लांट सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। एनिमल सेल्स में वॉल प्रेशर डेवलप ही नहीं हुआ, इसलिए वो फट जाते। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस प्लांट सेल के प्रोटोप्लाज्म में enough water आएगा, उसके बाद पानी अंदर नहीं जाएगा। जब वो स्टेज आएगा तब हम बोलेंगे सेल इज फुली टर्जिड, फुली टर्जिड। और फुली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, और नो इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, नो इनवर्ड मूवमेंट। फिर वाटर अंदर की तरफ नहीं मूव करता, ये याद रखियो। जब सेल फुली टर्जिड हो तो उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और ये मत सोचना कि फुली टर्जिड सेल में टीपी जीरो होगा, टीपी सबसे ज्यादा होगा, टर्गर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वॉल प्रेशर भी उतना ही होगा। अब क्लियर है? तो फुली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर मैक्सिमम, और फुली टर्जिड सेल के अंदर पानी नहीं जाता,
वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर होता है. द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज फाउंड इन फुली टर्जर सेल्स. राइट, इतना समझ आया? हा सौम्या रश्मि, वेरी गुड. तो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से. और देखो तो क्या याद रखना है हमको. सबसे पहली बात, टर्गर प्रेशर इज हाईएस्ट इन फुली टर्जर्ड सेल्स. फुली टर्जर्ड सेल्स एंड इज इक्वल टू, देख लो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, एंड इज इक्वल टू किसके बराबर? ओपी, बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर. तो फुली टर्जर्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. दूसरा पॉइंट, इन फ्लैसिड सेल्स, टर्गर का ऑपोजिट है फ्लैसिड. फ्लैसिड सेल्स, फ्लैसिड मतलब जो बहुत ही सिकुड़ी हुई प्लांट सेल्स हैं, जिनके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है. फ्लैसिड सेल्स में टर्गर प्रेशर इज जीरो. इज इट ओके? एंड इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, जिन सेल्स पे प्लाज्मोलिसिस हो चुकी है, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ाया हूं, प्रोटोप्लाज्म सारा श्रिंक हो गया, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच में गैप आ गई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स में बेटा टर्गर प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है. टर्गर प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है, राइट? तो फुल्ली टर्जर्ड सेल में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स में टर्गर प्रेशर विल बी नेगेटिव और फ्लैसिड सेल्स में टर्गर प्रेशर विल बी जीरो. फुली टर्जर्ड सेल्स में पानी नहीं जाता, फ्लैसिड सेल्स के अंदर पानी जाएगा और प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के अंदर भी पानी जाएगा, राइट? एक मिनट बेटा, एक मिनट. हाँ हेलो, हाँ बेटा, हाँ मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हाँ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो ना, फिर जल्दी. वहां पर एक
स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ 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 ले लो भाई, क्योंकि मैं दूसरा वाला टर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं ना। हाँ सौम्या रश्मि आप ले लिए बेटा, रश्मि स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन, नाइस। देखो अगला वाला टर्म है हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, बहुत जबरदस्त और बहुत ही आसान। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, शॉर्ट टर्म में इसको डीपीडी बोलेंगे, और इसको आप सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हैं। सक्शन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, क्या है ये ध्यान से सुनना। हम इसको आसान भाषा में बोलेंगे डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल, डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल। एक प्लांट सेल को कितने पानी की डिमांड है, कितने पानी की जरूरत है, उसको हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, राइट, या डीपीडी। देखो मैंने तुम लोग को बोला अभी फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल में बहुत सारा पानी है, उसको पानी की जरूरत है क्या? फुली टर्जिड सेल में पानी की जरूरत है क्या? नहीं, इसलिए उसमें डिमांड ऑफ वाटर होगा जीरो। डिमांड ऑफ वाटर जीरो मतलब उसमें डीपीडी जीरो होगा। फ्लैसिड सेल, उसमें टर्गर प्रेशर नेगेटिव है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल, सॉरी प्लाज्मोलाइज्ड सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव है, फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर जीरो है। इनको डिमांड है पानी की, इनको पानी चाहिए, इसलिए इनका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बहुत ज्यादा होगा, है ना। जिस सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होगा, सॉरी टर्गर प्रेशर जिस सेल में हाईएस्ट होगा, उसमें डिमांड ऑफ वाटर क्या होगा? कम, उसका डीपीडी कम होगा। जिस सेल में टर्गर प्रेशर जीरो होगा या नेगेटिव होगा, उसका डीपीडी मतलब डिमांड ऑफ वाटर ज्यादा होगा। तुम लोग ये मान लो कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज द डिमांड ऑफ वाटर इन अ सेल एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना एक सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उतना डीपीडी बढ़ जाएगा, मतलब उस सेल में उस सेल में डिमांड ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। मतलब अगर एक सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 1 ग्राम और दूसरे सेल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 5 ग्राम, तो जिस सेल में 1 ग्राम सॉल्ट है उसका डीपीडी कम होगा, जिस सेल में 5 ग्राम सॉल्ट है उसका डीपीडी ज्यादा होगा। समझ लिए बात? राइट। एक और बात याद रख लो, द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स, पानी कहां से मूव करेगा, कहां से ऑकर्स? फ्रॉम लोअर डीपीडी, लोअर डीपीडी रीजन, जिस जगह पर कम डीपीडी हो, टू हायर डीपीडी, टू हायर डीपीडी, राइट। ये तीन बातें तुम लोग को याद रखनी। ओके अब देखो नॉर्मली ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन,
टर्गर प्रेशर इन अ सेल, ये नॉर्मल सिचुएशन है, मतलब सेल फुली टर्जिड नहीं है, थोड़ा सा टर्जिडिटी है सेल में लेकिन फुली टर्जिड नहीं। जब सेल नॉर्मली टर्जिड हो, फुली टर्जिड नहीं हो, तो उस सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज्यादा होगा, ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर, राइट। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर इज कॉल्ड एज डीपीडी, कॉल्ड एज डीपीडी, या सक्शन प्रेशर भी बोल सकते हो। मतलब कहने का यह है कि एक नॉर्मल सेल में डीपीडी बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस डीपी टर्गर प्रेशर। ऐसी सेल जो टर्जिड है लेकिन फुली टर्जिड नहीं, पार्शियली टर्जिड सेल है। इज इट ओके भाई, समझ आई बात? स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से इसका। ओके, अब देखो डीपीडी इन अ फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल में डीपीडी का क्या सीन होगा? देखो अभी हम बोले आपको बेटा डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल पार्शियली टर्जिड सेल। लेकिन बट इन अ फुली टर्जिड सेल, फुली टर्जिड सेल, अभी अभी जस्ट मैं तुम लोग को बोला हूं फुली टर्जिड सेल में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, हाईएस्ट होगा ना टर्गर प्रेशर का वैल्यू। देयरफॉर अगर मैं यही वैल्यू यहां पर पुट करूंगा इस इक्वेशन में, क्या होगा, DPD is equal to OP minus TPOP के बराबर है, OP और DPD will be equal to zero। तो fully turgid cell में DPD zero है, मतलब demand of water zero है, इसलिए उसमें पानी नहीं जाएगा। समझ आई बात? तीसरा केस भी है हमारे पास, क्या फ्लैसिड सेल में क्या होगा भाई, फ्लैसिड सेल। एक तो हम नॉर्मल सेल लिए, उसके बाद फुली टर्जिड सेल, अब फ्लैसिड सेल की बात हो रही है। यही इक्वेशन है हमारे पास, DPD equal to OP minus TP, लेकिन flaccid cells में टर्गर प्रेशर का वैल्यू बेटा होता है किसके बराबर, जीरो। therefore DPD का क्या होगा, DPD will be equal to OP minus टर्गर प्रेशर के बदले जीरो लगा दो, or DPD will be equal to osmotic pressure। तो flaccid cells में DPD osmotic pressure के बराबर होगा, right? अब ले लो plasmolyzed cell की कहानी, plasmolyzed cell। अभी मैं तुम लोगों को बोला हूं plasmolyzed cell में टर्गर प्रेशर का वैल्यू नेगेटिव होता है। Therefore, जो हमारा ये इक्वेशन है ना DPD is equal to OP minus TP, इसका क्या होगा, DPD is equal to OP minus TP का वैल्यू नेगेटिव, तो मैं माइनस TP लिख दूंगा,
therefore dpt will be equal to op plus tp. मतलब कहने का यह है कि प्लाज्मोलाइज्ड सेल का डीपीडी हाईएस्ट होगा. डिमांड ऑफ वाटर प्लाज्मोलाइज्ड सेल में हाईएस्ट है. डिमांड ऑफ वाटर जीरो है फुली टर्जिड सेल में, और डिमांड ऑफ वाटर फ्लैसिड सेल में है लेकिन हाईएस्ट भी नहीं है जीरो भी नहीं, कुछ डिमांड. इसका मतलब अगर मैं एक फ्लैसिड सेल को और एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को साथ साथ रखूंगा तो फ्लैसिड सेल से पानी निकल के जितना भी उसमें होगा पानी निकल के प्लाज्मोलाइज्ड सेल में जाएगा, राइट. अगर एक फ्लैसिड सेल को पार्शियली टर्जिड सेल के साथ रखूंगा उनके सेल वॉल को सता के तो पार्शियली टर्जिड सेल से पानी निकल के फ्लैसिड सेल में आएगा, राइट. ये बात समझ में आ रही है ना. तो डिमांड ऑफ वाटर हाइएस्ट इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल, डिमांड ऑफ वाटर लोएस्ट मतलब जीरो इन फुली टर्जिड सेल, डिमांड ऑफ वाटर नॉट हाइएस्ट नॉट जीरो इन अ फ्लैसिड सेल. स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. हो गया, आगे बढ़ा जाए. ग्रेट. तो क्या रखा आपने याद, प्लाज्मोलाइज सेल का डीपीडी हाईएस्ट होगा, उसके बाद होगा उससे थोड़ा कम डीपीडी फ्लैसिड सेल में, उससे थोड़ा कम डीपीडी होगा पार्शियली टर्जिड सेल में, उससे कम डीपीडी होगा फुली टर्जिड सेल में, मतलब उसमें जीरो होगा. क्या रिपीट कर दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर. अरे भाई ऑस्मोटिक प्रेशर भाई कुछ है नहीं तुम लोग. ऑस्मोटिक प्रेशर एक हमेशा एक सॉल्यूशन में डेवलप होता है प्रवीण. अगर तुम्हारे पास प्योर वाटर है तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जीरो होगा, लेकिन अगर तुम उस प्योर वाटर में सॉल्यूट डाल दोगे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा. अच्छा अगर एक सॉल्ट सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, सॉल्ट सॉल्यूशन को अलग करोगे मतलब एक बीकर लोगे, बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन रखोगे एक तरफ दूसरी तरफ रखोगे प्योर वाटर, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दोगे, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में एक प्रेशर डेवलप होगा, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. ये प्रेशर कोशिश करेगा प्योर वाटर से सॉल्ट सॉल्यूशन की तरफ पानी की मूवमेंट को रोकने का. दिस प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है. अच्छा एक सिंपल सा मैं सिंपल सा एक रफ डायग्राम यहां पर बना लू. मेरे पास दो सेल्स हैं भाई, वी हैव गॉट टू प्लांट सेल्स. ये प्लांट सेल्स दोनों साथ साथ हैं, इसका नाम रखेंगे सेल ए, इसका नाम रखेंगे सेल बी. ठीक है. ए वाली सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर है 8 यूनिट्स, बी वाली सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 यूनिट्स. राइट. तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहां से कहां होगा, चलो मैं बता दूं. ए वाली सेल का टर्गर प्रेशर 2 यूनिट्स, बी वाली सेल का टर्गर प्रेशर 5 यूनिट्स. तो मुझे बताओ पानी कहां से कहां जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डीपीडी. हम दोनों में डीपीडी निकालेंगे, तुमको पता ही है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. तो यहां पर ओपी 8 है, टीपी 2 है, तो डीपीडी यहां पर आया 6 यूनिट्स. यहां पर देखो डीपीडी कितना आएगा, ओपी 10 है, टीपी 5 है, तो 5 यूनिट्स. दोनों में से डीपीडी ज्यादा कहां है, हाँ तो
हमेशा वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, फ्रॉम लोअर टू हायर डीपीडी, कम डिमांड से ज्यादा डिमांड की तरफ. इसका मतलब वाटर इज गोइंग टू मूव फ्रॉम सेल बी टू सेल ए. समझ गए? स्क्रीनशॉट मारो फिर जल्दी से. आगे बढ़ते देखो भाई, लास्ट में हमारा एक और टर्म है वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन free energy, difference between free energy of molecules. free energy पता है बेटा? बताऊंगा मैं. free energy of molecules of pure water, pure water and that of the solution. मतलब कहने का यह है कि हमारे पास वही एक बीकर है. इस बीकर को हमने दो भागों में बांट दिया, ए बी. बी वाले भाग में हमने रखा NaCl solution, वन मोलर NaCl सॉल्यूशन. कितना? 100 ml. ए वाले भाग में हमने रखा 100 ml प्योर वाटर, राइट? तो कहानी क्या होगी? जो प्योर वाटर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये हटा लूं. प्योर वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी फ्री एनर्जी. क्या? फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर और फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन NaCl सॉल्यूशन, उनके बीच का डिफरेंस, दैट इज नोन एज वाटर पोटेंशियल. समझ रहे हो बात? तो बी वाले साइड में जो NaCl सॉल्यूशन है, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी. ए वाले भाग में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी फ्री एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस कर लो, माइनस कर लो, इनका जो वहां से निकलेगा वैल्यू वही है इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल या सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, राइट? ठीक है ना? आगे देखो, वाटर पोटेंशियल को हम मैथमेटिकली एक इक्वेशन से लिखते हैं. दैट इक्वेशन इज साई सिस्टम. मतलब एक सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, इस साइन को बेटा साई बोलते हैं, PSI, साई.
is equal to psi s plus psi p plus psi g plus psi m, right? अब यहां पर psi s क्या है? Psi s is the solute potential. Solute potential. अगर एक सिस्टम का वाटर पोटेंशियल निकालना है तो आपको उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जोड़ना पड़ेगा. एंड सॉल्यूट पोटेंशियल इज, इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. सिंपल. सॉल्यूट पोटेंशियल बराबर होता है, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ऑस्मोटिक प्रेशर बोलो या ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इसका वैल्यू हमेशा होता है बेटा जी नेगेटिव. इट इज नेगेटिव इन प्लांट सेल एंड जीरो इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, बोले तो प्योर वाटर. तो प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो होगा. जीरो क्यों होगा भाई, उसमें सॉल्यूट है ही नहीं तो कहां से होगा. लेकिन जैसे ही हम प्योर वाटर में सॉल्यूट डाल देंगे तो सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो से भी नेगेटिव कम हो जाएगा, दैट मीन्स नेगेटिव, राइट. तो उसके बाद आता है साई पी. क्या है ये? इसको हम बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल. सॉल्यूट पोटेंशियल को ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं लिखा मैंने, ऑस्मोटिक पोटेंशियल याद रखना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल. इसका वैल्यू नेगेटिव होता है. क्यों? क्योंकि प्योर वाटर का, प्योर वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर भी बोलते हैं, प्योर वाटर का सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो होगा. जीरो क्यों होगा? क्योंकि उसमें सॉल्यूट है ही नहीं. लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूट डालना स्टार्ट किया तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा. पहले से जीरो था, अब और डिक्रीज हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया. साई पी का मतलब है प्रेशर पोटेंशियल. प्रेशर पोटेंशियल एंड इट इज इक्वल टू टीपी. ये एक सेल में टर्बर प्रेशर के बराबर होता है. प्लांट सेल्स में प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव. इट इज, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव. प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव इन प्लांट सेल्स. ठीक है जी. अब बात आती है साई जी और साई एम की. साई जी को हम ग्रेविटी पोटेंशियल बोलते हैं, इसका वैल्यू नेग्लिजिबल होता है. और साई एम इज नोन एज मेट्रिक पोटेंशियल, इसका वैल्यू भी नेग्लिजिबल होता है. ग्रेविटी पोटेंशियल एंड साई एम इज मेट्रिक पोटेंशियल. मेट्रिक पोटेंशियल, इनका वैल्यू इतना कम होता है कि इनको हम किसी भी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करते वक्त इग्नोर कर देते, बिकॉज दे आर नेग्लिजिबल इन वैल्यू. राइट. पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मारो. हो गया. ओके, आगे बढ़ता हूं अगले पेज पे. अब हमने क्या किया, तो साई सिस्टम मतलब सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, ये बराबर होगा किसके? सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल. वो दोनों टर्म्स साई एम और साई जी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि उनका वैल्यू था नेग्लिजिबल. जब भी तुमको किसी सिस्टम का सॉल्यूट, सॉरी वाटर पोटेंशियल निकालना हो तो तुम लोग यही वाला इक्वेशन यूज करोगे. साई सिस्टम, उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल, इट विल बी इक्वल टू साई एस एंड साई पी, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, राइट. अब ये अ सेल एट फुल टर्गर,
मतलब एक फुली टर्जर्ड सेल हैज एन ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल इक्वल बट ऑपोजिट साइन। इस पॉइंट को ध्यान से देख लेना, मैंने क्या बोला, अ सेल विच इज फुली टर्जर्ड, विच इज फुली टर्जर्ड, एक फुली टर्जर्ड सेल है हमारे पास, विच इज फुली टर्जर्ड, क्या होगा उसमें, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, एंड प्रेशर पोटेंशियल विल बी इक्वल व्हाट ऑपोजिट साइन। ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल भी इक्वल लेकिन ऑपोजिट साइन। देयरफॉर देयरफॉर जो वाटर पोटेंशियल होगा साई सिस्टम का, साई डब्ल्यू जो होगा, मतलब सिस्टम का जो वाटर पोटेंशियल होगा, तुम साई सिस्टम के बदले साई डब्ल्यू भी लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू क्या, ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब साई एस, प्रेशर पोटेंशियल मतलब साई पी, हाँ लेकिन उसका वैल्यू नेगेटिव, तो हमारा सिस्टम का वाटर पोटेंशियल आएगा जीरो। क्या समझे, एक फुली टर्जर्ड सेल में वाटर पोटेंशियल होता है जीरो। अगर वाटर पोटेंशियल फुली टर्जर्ड में जीरो है तो इसका डीपी डीपी जीरो ही होगा, डिमांड ऑफ वाटर भी जीरो ही होगा। कुछ नहीं बोला मैंने भाई, रिपीट करने की बात ही नहीं है। एक फुली टर्जर सेल में ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोले तो साई एस, वो बराबर होता है प्रेशर पोटेंशियल के बोले तो साई पी, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा, नेगेटिव साइन इसमें होगा, राइट। अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल माइनस होगा तो प्रेशर पोटेंशियल प्लस होगा। अब इसी को हम ऊपर वाला इक्वेशन में डाल देते हैं, साई सिस्टम या साई डब्ल्यू इज इक्वल साई एस, ये प्लस, और प्रेशर पोटेंशियल में माइनस लगा दिया तो इक्वल है ना। तुम समझे नहीं, रुको नए से मैं समझा देता, वेट करो। ऊपर वाला इक्वेशन जो हमारा है साई डब्ल्यू मतलब साई सिस्टम इज इक्वल टू साई एस, हाँ लेकिन साई पी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, क्या है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये किसके बराबर है, प्रेशर पोटेंशियल के बराबर लेकिन नेगेटिव साई, या साई पी प्रेशर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर है लेकिन नेगेटिव साई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि साई एस प्लस इस साई पी के बदले में साई एस लिख सकता हूं, क्योंकि इनका वैल्यू इक्वल है, हाँ डायरेक्शन मतलब नेगेटिव साइन है, मैं लिख सकता हूं ना माइनस साई एस, लिख सकता हूं हाँ या ना, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर ही है बट साइन माइनस आएगा, तभी तो मैं बोल सकता हूं साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस माइनस साई एस साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ अब समझ आया, आ गया या नहीं आया, अब सुनो, एक सेल है हमारे पास, उस सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस 10 बार्स, प्रेशर पोटेंशियल 10 बार्स, तो रिजल्टेंट वाटर पोटेंशियल कितना होगा। फिर से बोल रहा हूं, एक सेल है हमारे पास, तुम लोग ये लिख सकते हो कॉपी पे, मुझे सॉल्व करके बता सकते, वैसे कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं है इसमें, ये ओरली सॉल्व होगा। एक सेल है हमारे पास, उस सेल का सॉल्यूट पोटेंशियल माइनस 10 बार्स, वाटर पोटेंशियल सॉरी प्रेशर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल बोले तो साई एस उसका है माइनस 10 बार्स, प्रेशर पोटेंशियल बोले तो साई पी उसका है प्लस 10 बार्स,
तो उस सेल का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? इतना कैलकुलेट कर क्या रहे हो रश्मि? वेरी गुड, जीरो होगा वाटर पोटेंशियल, जीरो होगा। देखो एक सेल है उसका सॉल्यूट पोटेंशियल -10 bar, उस सेल का प्रेशर पोटेंशियल +10 bar, तो उस सेल का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल लिखो -10 bar, लेकिन प्रेशर पोटेंशियल भी तुम क्या लिखोगे? +10 bar, प्लस माइनस जीरो। अब समझ आई बात? कर लो ना स्क्रीनशॉट, फिर इतना काहे देख रहे हो? एक मिनट रुको बेटा, मैं म्यूट कर रहा हूं। हाँ हो गया ना, आगे बढ़ूं? ओके, अभी तो मैंने तुम लोग को बताया वाटर पोटेंशियल इन केस ऑफ ए फुली टर्जर्ड सेल। अगर हम फ्लैसिड सेल की बात करें, फ्लैसिड सेल का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, क्या होगा? तो जब एक वाट सेल फ्लैसिड है उसका टर्गर प्रेशर कितना होगा बताओ? फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर कितना होता है? फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर कितना होता है भाई? अगर नहीं बोले तो थप्पड़ पड़ेगा तुम लोग को, ऑनलाइन थप्पड़ मारूंगा, याद रखना। जीरो। हाँ रश्मि, सौम्या, तुम लोग बोलो। चलो जीरो, फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर जीरो है, ठीक है। तो HCl एट जीरो टर्गर प्रेशर has an osmotic potential equal to its water potential. ध्यान से सुनना, अभी अभी हमने जो equation बताया, water potential is equal to क्या होता था वो? Psi S plus Psi P, है ना? लेकिन अभी अभी हम तुमको बोले Psi S is solute potential, Psi P is pressure potential, pressure potential is equal to turgor pressure.
प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। प्रवीण तुमको वॉइस अवेलेबल नहीं है, रुको रिफ्रेश कर देते हैं, रुको। हाँ आवाज आ रही है? ओके सुन लो फिर, सुन लो। मैंने क्या बोला, फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर जीरो होता है, तो जो वाटर पोटेंशियल का इक्वेशन बनेगा कैसा बनेगा? अभी अभी हम बोले आपको वाटर पोटेंशियल बराबर होता है सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के, लेकिन ये भी मैंने बोला सॉल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर जीरो है ना, तो ये टर्म जीरो बन जाएगी। देयरफोर हमारा जो वाटर पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। Am I clear? तो जब भी एक सेल फ्लैसिड होगा उसका वाटर पोटेंशियल उसके सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर मतलब प्रेशर पोटेंशियल जीरो होगा। तो अगर एक फ्लैसिड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 bars है तो इस सेल का वाटर पोटेंशियल कितना होगा? अरे अब प्रवीण तुम कहां खोए रहते हो, मैंने कहा ना ये प्रेशर पोटेंशियल है। अगर तुम पिछले पेज पे पिछले स्क्रीनशॉट में देखोगे इट इज प्रेशर पोटेंशियल, और मैंने ये भी कहा प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल की बात हो रही है तो टर्गर प्रेशर की ही बात हो रही है। अब फ्लैसिड सेल का टर्गर प्रेशर जीरो है इसका मतलब उसका प्रेशर पोटेंशियल ही जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो बन गया ना, बचा क्या? सिर्फ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो मैंने क्या बोला, एक सेल है हमारे पास फ्लैसिड सेल है, उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 bar है, -10 bar, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा? फिर से रिपीट करूं, एक फ्लैसिड सेल है उसका प्रेशर पोटेंशियल सॉरी उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल -10 bar है, -10 bars, तो उसका वाटर पोटेंशियल कितना होगा? +10 या -10 रश्मि? चलो ठीक है मान लिया, ठीक है ठीक है, यही है यही है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल की। प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्लाज्मोलाइज्ड सेल के अंदर क्या होने वाला है? अब बता मुझे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स के अंदर टर्गर प्रेशर और मैं लिखूं प्रेशर पोटेंशियल इज नेगेटिव, अभी जस्ट बताया ही है मैंने, बताया कि नहीं?
इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स टर्गर प्रेशर हैज नेगेटिव वैल्यू. तो देयरफॉर वाटर पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव. वाटर पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव. वाटर पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव. कैसे आया ये वाटर पोटेंशियल विल बी मोर नेगेटिव? ध्यान से देखो, अगर मैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल का वाटर पोटेंशियल निकालूं तो वो बराबर होता है साई एस प्लस साई पी के, लेकिन साई पी मैंने ऊपर लिखा है नेगेटिव. तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस माइनस साई पी, यही लिखा ना भाई? लिखा कि नहीं? एक मिनट, हमने शायद कहीं पे गलती कर दी. एक मिनट पहले मुझे देखने दो. एक मिनट बेटा मुझे पिछले स्लाइड में जाने दो. मैंने कहीं भी कुछ लिखा है? जमीन फुली टर्जेड इससे पहले वाले स्लाइड पे जा रहा हूं. एक मिनट हाँ बस सही है भाई. क्या मैंने कहा? प्लाज्मोलाइज्ड सेल का टर्गर प्रेशर मतलब प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव है, देयरफॉर इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा दैट विल बी मोर नेगेटिव. मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा. एक सेल है हमारे पास, अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल. उस प्लाज्मोलाइज्ड सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल दैट इज साई एस, चलो मान लेते हैं इट इज -10 bars. ठीक, इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल का प्रेशर पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? साई पी. चलो मान लिया इट इज -2 bars. तो देयरफॉर इसी सेल का वाटर पोटेंशियल कैसा निकलेगा? वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस का वैल्यू कितना है? -10. और साई पी का वैल्यू कितना है? -2. तो वाटर पोटेंशियल विल बी इक्वल टू -12 bars. वही तो मैं बोल रहा था, टर्गर प्रेशर. बोले तो प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव है ना? प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव है ऑलरेडी, तो वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो जाएगा. टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल -2 bars था, वाटर पोटेंशियल और नेगेटिव हो गया -12 bars. अब बताओ, समझ लिए? अरे भाई समझ आई ये बात? स्क्रीनशॉट मार लो ना भाई. हाँ, इसके बाद हमको इस चैप्टर में पढ़ना है वाटर रिलेशंस ऑफ द प्लांट. में हमको सबसे पहले सीखना है क्या? वी हैव टू स्टडी अबाउट
absorption of water in plants. Water absorption in plants. Water absorption in plants. प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, बस थोड़ा सा तुम धैर्य रखो। एक मिनट बेटा, डरना नहीं है, बस हो रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। हाँ, मैं कुछ देख रहा हूं तुम लोग के लिए। सबसे पहली बात तुम लोग को याद करनी पड़ेगी कि प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है बाय सम वाटर एब्जॉर्बिंग मशीनरी, वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन। उस वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन का नाम है व्हाट? द नेम ऑफ दैट वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट्स इज रूट हेयर। शायद तुम जानते होंगे, है ना? सबसे पहली बात याद रखोगे, रूट हेयर is the water absorbing organ in plants. Water absorbing organ. तो ये root hair कैसा होता है, कैसे water absorption होती है, वही ढूंढ रहा था। बस 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 हो गया हो गया। अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा मुझे, बढ़िया सा मजा आ जाएगा। ये देखो, आई होप तुम लोग को ये दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे बताओ भाई, टेल मी इज इट विजिबल? हाँ प्रवीण, रश्मि, सौम्या, आप रश्मि बेटा, ये दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो देखो, अगर ये रूट है, टैप रूट हो, टैप रूट है, वैसे रूट हेयर्स टैप रूट में ही ज्यादा होते हैं, तो ये रहे रूट हेयर्स, ये सारे रूट हेयर्स हैं। तुम लोग को शायद याद हो, मैंने पढ़ाया है तुम लोग को, रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। रूट हेयर्स रूट के एपिडर्मल सेल्स के एक्सटेंशन हैं। अगर ये रूट का एपिडर्मल सेल है, यही एपिडर्मल सेल थोड़ा सा एक्सटेंड होके लंबा हो गया, बना दिया रूट हेयर। इसी को यहां पर जूम किया है, तो ये रूट हेयर है, दिस इज द रूट हेयर, राइट? रूट हेयर सॉइल पार्टिकल्स के कॉन्टैक्ट में है, देख सकते हो, और इन सॉइल पार्टिकल्स के सराउंडिंग में पानी है, वाटर है, दिस इज वाटर। हर सॉइल पार्टिकल के सराउंडिंग में वाटर फिल्म है, यही वाटर फिल्म रूट हेयर के थ्रू आएगी। वाटर एंटर्स द रूट हेयर इन दिस। ये देखो भाई, वाटर रूट हेयर के अंदर आया, कौन से प्रोसेस से आया?
ये वाटर रूट हेयर के अंदर आया बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. विच ऑस्मोसिस? एंड ऑस्मोसिस. मतलब कहने का ये है कि रूट हेयर के, रूट हेयर एक सेल है, इस रूट हेयर के अंदर हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है और सॉइल सॉल्यूशन में हाइपोटॉनिक कंडीशन है. रूट हेयर का साइटोप्लाज्म हाइपरटॉनिक है, सॉइल के अंदर जो पानी है वो हाइपोटॉनिक है. ऑस्मोसिस हमेशा होगी फ्रॉम हाइपोटॉनिक टू हाइपरटॉनिक. तो सॉइल सॉल्यूशन से पानी अंदर गया रूट हेयर के अंदर. अब रूट हेयर से ये पानी आगे बढ़ना चाहेगा, बढ़ेगा भी. कैसे बढ़ेगा आगे देख सकते हो तुम. रूट हेयर से यहां पानी आया, फिर ये पानी इन सेल्स से होते हुए, इन सेल्स से होते हुए यहां तक पहुंचेगा. क्या चीज है ये? ग्रीन कलर का पार्ट है क्या? अगर याद होगा तुम लोग को, एपिडर्मिस के बाद होता है एक रीजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. ये जो ये पार्ट है येलो कलर से दिखाया है, ये एपिडर्मिस है. ग्रीन कलर से दिखाया है वो कॉर्टेक्स है. तो पानी रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर एपिडर्मल सेल है, रूट हेयर के थ्रू, एपिडर्मल सेल के थ्रू आया कॉर्टेक्स रीजन में. कॉर्टेक्स रीजन के बाद ये पानी आया एंडोडर्मिस में. तुम लोग को याद होगा मैंने बताया था एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी होती हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुबरिन की होती है, सुबरिन पानी को अंदर नहीं आने देता. लेकिन फिर मैंने कहा था एंडोडर्मिस में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पैसेज सेल्स बोलते हैं. पैसेज सेल्स में सुबरिन की स्ट्रिप्स नहीं होती, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती. उन्हीं पैसेज सेल्स के थ्रू पानी चला जाएगा, पहुंच जाएगा पेरिसाइकिल में. ये वाला पार्ट पेरिसाइकिल, ऑरेंज वाला पार्ट है. पेरिसाइकिल के बाद आएगा यही पानी जाइलम में. और जाइलम से इस पानी को, रूट के जाइलम से इस पानी को ऊपर जाना है टू द टॉप मोस्ट रीजन ऑफ द प्लांट. बताओ भाई समझ आया? हाँ या ना? यस और नो टेल मी. तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सॉइल से जाइलम, रूट के जाइलम तक पानी का पाथ क्या है. अगर तुमको कोई पूछे कि व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय वाटर फ्रॉम सॉइल सॉल्यूशन टू द जाइलम ऑफ द रूट, तुम ये बोलोगे कि सॉइल सॉल्यूशन से पानी निकला, रूट के एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस के बाद रूट के कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स के बाद क्रॉस किया एंडोडर्मिस को, फिर पेरिसाइकल के होते हुए रूट के जाइलम में आ गया. इज इट ओके? लेकिन अगर रूट के पास रूट हेयर्स नहीं है तो वाटर एब्जॉर्ब होना मुश्किल काम है. आगे बढ़ा जाए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी. Very nice. देखते जाओ भाई. एक और सिंपल सा डायग्राम मेरे पास है, तुम लोग को वो वाला डायग्राम भी दिखाना चाहूंगा. ये लो भाई,
दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, आया ना? सौम्या, रश्मि, इज दिस डायग्राम विजिबल टू यू? यस. प्रवीण, ओके. देखो, रूट हेयर से जाइलम वेसल तक या प्लांट के जाइलम तक पानी दो मेथड से, दो रास्तों से जाता है. एक रास्ता ये है, ये रूट हेयर के बाद पानी एपिडर्मिस, मतलब ये रूट हेयर वाली सेल है, एपिडर्मल सेल मतलब रूट हेयर सेल के बाद जो पानी आया, एपिडर्मल सेल के अंदर गया, रूट हेयर सेल के अंदर गया, फिर रूट हेयर सेल के बाद कॉर्टेक्स वाली सेल के अंदर गया, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर. किसके थ्रू बेटा? प्लांट सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, उन कनेक्शंस को हम बोलते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा. जैसे हमारे घर में दो रूम्स के बीच में कनेक्शन होता है दरवाजा, बिल्कुल प्लांट सेल्स के बीच में, सेल वॉल्स में दरवाजा होता है, उस दरवाजे को हम बोलते हैं प्लाज्मा डेस्मेटा. तो एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट से, रूट हेयर सेल से कॉर्टेक्स वाली सेल के अंदर पानी जाएगा थ्रू प्लाज्मा डेस्मेटा. फिर इसी कॉर्टिकल सेल्स के या दूसरे कॉर्टिकल, एक कॉर्टिकल सेल से दूसरे कॉर्टिकल सेल में जाएगा, अगेन बाय मींस ऑफ प्लाज्मा डेस्मेटा, है ना? फिर तीसरे कॉर्टिकल सेल में जाएगा बाय मींस ऑफ प्लाज्मा डेस्मेटा. लेकिन याद रहे, पानी एपिडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म से गुजर रहा है, प्रोटोप्लाज्म से गुजर रहा है, यहां पर भी प्रोटोप्लाज्म से मूव कर रहा है, फिर कॉर्टेक्स से निकल के एंडोडर्मिस में आएगा, एंडोडर्मल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म से गुजर रहा है, एंडोडर्मिस से निकल के कहां जाएगा? एंडोडर्मिस से निकल के जाएगा पेरिसाइकल वाले पार्ट में, अगेन पेरिसाइकल वाले पार्ट के प्रोटोप्लाज्म में घुस जाएगा, फिर पेरिसाइकल से निकल के ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम के अंदर पहुंच गया. ठीक है, दूसरा पाथवे देखो, दूसरा पाथवे सिंपल सा पाथवे, वाटर रूट हेयर के थ्रू एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन वो वाटर रूट हेयर सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर नहीं गया, फिर कहां से मूव किया? उस रूट हेयर के सेल वॉल से ही मूव किया, प्रोटोप्लाज्म में घुसा ही नहीं, सेल वॉल से मूव करते करते कॉर्टिकल सेल्स के सेल वॉल में आया, कॉर्टिकल सेल्स के सेल वॉल के थ्रू मूव किया, कॉर्टिकल सेल्स के सेल वॉल के थ्रू मूव करते करते एंडोडर्मल सेल्स के सेल वॉल में आया. बहुत बढ़िया चीज है. जैसे ही एंडोडर्मल सेल्स के सेल वॉल में पहुंचा, वहां पर एंडोडर्मल सेल्स के सेल वॉल में लगे हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. कैस्पेरियन स्ट्रिप इनको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए ये वाटर एंडोडर्मल सेल के प्रोटोप्लाज्म में घुस गया, राइट? फिर एंडोडर्मल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म से होते हुए प्लाज्मा के थ्रू पेरिसाइकल में आ गया, और पेरिसाइकल इसको ऑस्मोसिस के थ्रू भेज देगा साइलम में. तो वाटर दो रास्तों से जाता है, एक वाटर सेल्स के प्रोटोप्लाज्म से गुजरते हुए जाइलम के अंदर पहुंचेगा, इस वाले पाथवे को हम बोलते हैं क्या? सिम्प्लास्ट पाथ. व्हेन वाटर मूव्स अलोंग द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द रूट. प्रोटोप्लाज्म क्या है भाई? लिविंग कॉम्पोनेंट. जब पानी लिविंग कॉम्पोनेंट्स के थ्रू मूव करेगा, उस मूवमेंट को हम सिम्प्लास्ट मूवमेंट बोलेंगे. प्रोटोप्लाज्म के थ्रू मूव करेगा तो उसको सिम्प्लास्ट बोलेंगे. लेकिन जब पानी सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा, सेल वॉल क्या है भाई? सेल वॉल डेड होता है, नॉन लिविंग होता है, इस मूवमेंट को हम एपोप्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं. एपोप्लास्ट मूवमेंट रूट हेयर से एंडोडर्मिस तक ही होती है, लेकिन एंडोडर्मिस की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एपोप्लास्ट को वहीं पर फिनिश करके बाद में एंडोडर्मल सेल्स के प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही मूवमेंट कराती है. लेकिन सिम्प्लास्ट पाथवे बराबर
रूट हेयर से लेके जाइलम वेसल्स तक कंटिन्यू होता रहता है। तो रूट के अंदर पानी, रूट के जाइलम के अंदर पानी पहुंचेगा आइदर बाय मींस ऑफ सिम्प्लास्ट पाथवे और बाय मींस ऑफ एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल। Cell wall is not living, it is non-living, it is dead. And simplest pathway is movement of water through cytoplasm या protoplasm, living compounds. बताओ clear है ये? आया ना? Right? अब हमको क्या करना है? Root के xylem में पानी पहुंचा, इस पानी को plant के top तक पहुंचाना है, वो हम अगली class में करेंगे, आज के लिए इतना काफी है. Okay? ओके बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, खुदा हाफिज़।